कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवर्तन यात्रा के पहले चरण का कार्यक्रम 25 जनवरी को शाम 4 बजे मुनि की रेती में होगा, जहां पद यात्रा व सभा के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह गंगा आरती में प्रतिभाग करेंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में देहरादून में प्रतिभाग करेंगे व 27 जनवरी को परिवर्तन यात्रा कालसी में पद यात्रा व जनसंपर्क करने के पश्चात दोपहर 12 बजे विकास नगर व हरबटपुर में पद यात्रा व जनसंपर्क कर 4 बजे सहसपुर व सेलाकुई में पद यात्रा और जनसंपर्क करेंगे। धस्माना ने बताया कि परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण में प्रीतम सिंह के साथ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है, उस परिवर्तन यात्रा का जो दूसरा चरण है वो 29 जनवरी को शुरू होगा उत्तराखंड के नैनीताल लोकसभा सीट की तराई क्षेत्र से खटीमा में। सबसे पहले 29 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, हमारे तमाम बड़े नेता कुमाऊं मंडल के, वो प्रीतम सिंह जी के साथ रहेंगे। और खटीमा में उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को शहादत के उनकी जो शहादत है उसको सलाम करने के साथ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा। और उसके बाद खटीमा से नानक मत्ता ये यात्रा पहुंचेगी, परिवर्तन यात्रा। गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करेंगे अध्यक्ष जी, तमाम नेतागण। दर्शन करने के बाद गुरु नानक साहिब में माथा टेकने के बाद वहाँ पर नानक मत्ता में ही प्रेम सिंह टुरना साहब हैं, उनके प्रांगण में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। नानक मत्ता से सितारगंज पहुँचेंगे और सितारगंज में 4 बजे पदयात्रा करेंगे और पदयात्रा के साथ ही वहाँ पर जनसभा का आयोजन किया गया। ये पहले दिन का कार्यक्रम है। और 30 जनवरी को सितारगंज से किच्छा पहुँचेंगे 12 बजे, किच्छा में पदयात्रा करेंगे और बस स्टैंड के सामने, वहाँ पर टैक्सी स्टैंड के सामने जनसभा करेंगे। जनसभा करने के पश्चात 1:30 बजे रुद्रपुर पहुँचेंगे, रुद्रपुर में पदयात्रा और जनसंपर्क किया जाएगा। और इसके बाद रुद्रपुर में जनसभा होगी भगत सिंह चौक में, विशाल जनसभा। रात्रि विश्राम अध्यक्ष जी और तमाम नेतागण रुद्रपुर में ही करेंगे। 31 तारीख को दूसरे चरण के अंतिम दिन रुद्रपुर से गदरपुर जाएंगे और गदरपुर में 11:30 बजे पदयात्रा करेंगे, जनसभा करेंगे और 12:30 बजे फिर गदरपुर से भाजपुर के लिए रवाना होकर भाजपुर में 1 बजे पदयात्रा करेंगे, जनसभा करेंगे। और उसके बाद 3 बजे भाजपुर से काशीपुर के लिए रवाना होंगे, काशीपुर में 4 बजे पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के बाद जनसभा आयोजित की जाएगी। परिवर्तन यात्रा का ये दूसरे चरण का कार्यक्रम है जिसको प्रदेश अध्यक्ष जी पूरा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, हमारे पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ साहब, हमारे पूर्व सांसद हमारे केसी सिंह बाबा साहब, पूर्व सांसद महेंद्र पाल जी और तमाम जो हमारे कुमाऊं मंडल के वरिष्ठ नेतागण हैं वो इस पदयात्रा में अध्यक्ष जी के साथ रहेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर जिन 60 बिंदुओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर के, गन्ना किसानों के बकाया को लेकर के, तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस सरकार के ज़माने में शुरू की गई थी और उनको बीजेपी की सरकार ने आने के बाद रोक दिया है, हमारे तमाम जो प्रदेश के अंदर विकास का पहिया रुका हुआ है, ये सारे तमाम सवाल लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी परिवर्तन यात्रा में जा रहे हैं। आप तमाम जनता से मेरी अपील है, कुमाऊं मंडल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में आप जी जान से जुट जाएंगे। कार्यक्रम मैंने आपको बता दिया है, कल सारे समाचार पत्रों में भी आ जाएगा, टीवी चैनल्स में भी आ जाएगा। इस कार्यक्रम के अनुसार दूसरे चरण के कार्यक्रम को, जैसा पहला चरण का कार्यक्रम हमारा जो अनोल से शुरू हुआ था और त्यूनी में जन सैलाब उमड़ा, उत्तरकाशी के मोरी में और हमारे पुरोला में जन सैलाब उमड़ा, उसी प्रकार से आप दूसरे चरण के कार्यक्रम को भी सफल बनाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए देहरादून से हरीश शर्मा की रिपोर्ट।